नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नवंबर के महीने में HTET 2019 और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसी विषय में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कंजक्शन के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन में हमें कंजक्शन फिल करनी है, तो आइए बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, We have never had such a time dash the present. इसके लिए हमारे ऑप्शन है ऑप्शन वन एज, ऑप्शन टू फॉर, ऑप्शन थ्री दैट या ऑप्शन फोर सो। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन एज, वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम एज द प्रेजेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एज, हमने कभी ऐसा टाइम नहीं बताया जो हम अब बिता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ही डिड नथिंग डैश वेट। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन व्हाट, ऑप्शन टू वाज, ऑप्शन थ्री दैट या ऑप्शन फोर बट। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर बट। यहाँ पे वेट जो है बेर इन्फिनिटिव है और बेर इन्फिनिटिव से पहले बट का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर बट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज़ नो रोज डैश हैज सम थॉर्न। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन दैट, ऑप्शन टू फोर, ऑप्शन थ्री बट या ऑप्शन फोर सो। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री बट, ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसमें कांटे ना हों। यहाँ पे बट का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री बट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नाइदर यूजफुल डैश ऑर्नामेंटल। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन बट, ऑप्शन टू और, ऑप्शन थ्री दैट या ऑप्शन फोर नॉर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर नॉर। नाइदर का हमेशा नॉर का प्रयोग होता है, ये भी कोरिलेटिव प्रोनाउन है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आइए फ्रेंड्स। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस डैश इट बिगेन रेनिंग। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन वैन, ऑप्शन टू हु, ऑप्शन थ्री देन या ऑप्शन फोर देन। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन वैन। तो दोस्तों, यहाँ पर हार्डली के साथ वैन का प्रयोग होगा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन वन वैन, हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस वैन ही बिगेन रेनिंग। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइदर मोहन डैश सोहन हैज टू गो फॉर द मीटिंग। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन नॉर, ऑप्शन टू और, ऑप्शन थ्री नाइदर, ऑप्शन फोर एंड। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू और, आइदर मोहन और सोहन हैज गो फॉर द मीटिंग। आइदर और क्वालिटी प्रोनाउन है, ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं, आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नो सोना डिड गीता सी माई फेस डैश सी बिगिन टू वीप। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन देन, ऑप्शन टू एंड, ऑप्शन थ्री देन या ऑप्शन फोर वैन। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री देन, नो सोना डिड गीता सी माई फेस देन शी बिगिन टू वीप। यहाँ पे नो सुंदर होने की वजह से देन का प्रयोग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वी बोथ लव डैश ऑनर हिम। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन हुम, ऑप्शन टू दैट, ऑप्शन थ्री हुज या ऑप्शन फोर एंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर एंड, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही सेव्ड सम ब्रेड डैश ही शुड नॉट गो हंग्री ऑन द टुमारो। तो फ्रेंड्स, के लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन विच, ऑप्शन टू सो दैट, ऑप्शन थ्री वोज या ऑप्शन फोर दैट। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉक्स डैश ही इज स्लाइटली लेम। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन एज इफ, ऑप्शन टू हु, ऑप्शन थ्री होम या ऑप्शन फोर एज दो। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन एज इफ, ही वॉक्स एज इफ ही इज स्लाइटली लेम। वो ऐसे चलता है जैसे मानो वो लंगड़ा हो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वेदर वाज कोल्ड डैश प्लेजेंट। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन एज वेल एज, ऑप्शन टू ऑल दो, ऑप्शन थ्री एल्स या ऑप्शन फोर वैन। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन एज वेल एज, द वेदर वाज कोल्ड एज वेल एज प्लेजेंट। मौसम ठंडा होने के साथ साथ सुहावना भी था। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन एज वेल एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डैश यू टेल द ट्रुथ आई विल नॉट हेल्प यू। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन इफ, ऑप्शन टू एल्स, ऑप्शन थ्री अनलेस या ऑप्शन फोर ऑल दो। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री अनलेस। अनलेस यू टेल द ट्रुथ आई विल नॉट हेल्प यू। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन वन और, ऑप्शन टू एल्स, ऑप्शन थ्री इफ या ऑप्शन फोर बिसाइड्स। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री इफ। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम तेज भागोगे तो तुम बस पकड़ लोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। दो ही इज सफरिंग मच पेन डैश ही डज नॉट कंप्लेन। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन हु, ऑप्शन टू इफ, ऑप्शन थ्री हु या ऑप्शन फोर येट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर येट। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। मुकेश वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन येट, ऑप्शन टू स्टिल, ऑप्शन थ्री दो या ऑप्शन फोर बट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन येट। मुकेश वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। मुकेश ने काफ़ी मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन वन येट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। शी इज स्लो डैश शी इज श्योर। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन स्टिल, ऑप्शन टू येट, ऑप्शन थ्री बट या ऑप्शन फोर दो। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री बट। शी इज स्लो बट शी इज श्योर। वो स्लो है लेकिन वो श्योर है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री बट। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉक फास्ट डैश यू शुड मिस द बस। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन लेस्ट, ऑप्शन टू और, ऑप्शन थ्री अनलेस या ऑप्शन फोर अदरवाइज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन लेस्ट। शुड के साथ हमेशा लेस्ट का प्रयोग होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस रूम इज डैश लार्ज एज डैट। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन फर्स्ट, ऑप्शन टू दैट, ऑप्शन थ्री एज या ऑप्शन फोर सो। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री एज। दिस रूम इज़ एज लार्ज एज दैट। ये रूम उतना बड़ा है जितना कि वो। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नो मनी डैश आई विल हेल्प यू। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन एंड, ऑप्शन टू हाउएवर, ऑप्शन थ्री बट या ऑप्शन फोर येट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू हाउएवर। मेरे पास पैसा नहीं है यद्यपि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हमारा ऑप्शन टू हाउएवर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नाइदर द ड्राइवर डैश द पैसेंजर्स वर इंजर्ड। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही अभी बताया था कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होता है। नाइदर नॉर कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री नॉर। नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स वर इंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज़ हॉट। इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन वैन, ऑप्शन टू वाइल, ऑप्शन थ्री एंटिल या ऑप्शन फोर टिल। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू वाइल। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। ये एक प्रोवर्ब है तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वाइल आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन टू वाइल। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। डैश आई एम इल आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। इसमें हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन वन सो, ऑप्शन टू फोर, ऑप्शन थ्री एस या ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थ्री एस। एज आई एम इल आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्योंकि मैं बीमार हूँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली हैड ही स्टूड अप टू स्पीक डैश द सप्लाई फेल्ड। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स ऑप्शन वन देन, ऑप्शन टू वैन, ऑप्शन थ्री देन या ऑप्शन फोर जस्ट देन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री वैन। हार्डली ही स्टूड अप टू स्पीक वैन द सप्लाई फेल्ड। हार्डली के साथ यहाँ पे वैन का प्रयोग होगा तो इसलिए हमारा ऑप्शन टू वैन राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर सीमा डैश ललिता न्यू द एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से नाइदर का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री नॉर। नाइदर सीमा नॉर ललिता न्यू द एड्रेस। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही केम डैश फादर हैड गोन। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन वन बट, ऑप्शन टू आफ्टर, ऑप्शन थ्री बिफोर या ऑप्शन फोर वैन।
तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन टू, आफ्टर ही केम आफ्टर फादर हैड गॉन, वह तब आया जब फादर चले गए थे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू आफ्टर। तो दोस्तों इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।